हेलो फ्रेंड्स, अगर चैनल फ्रेंड्स रेडमी नोट 7 प्रो में एक नया अपडेट रिसीव हो चुका है जो कि है फ्रेंड्स MIUI 10 2.10.0। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको इसमें नया कुछ देखने को मिला है, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुआ है। उसके साथ आपको देखने वाला हूँ यहाँ पे एक नया गुड न्यूज़ जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को देखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको हमेशा डालता रहता हूँ। रेडमी नोट 7 प्रो रिलेटेड सभी आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी करना। तो फिर चलिए, मैं हूं पवित्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टार मार्क। तो फिर चलिए बिना वक्त वाले शुरू करता हमारी वीडियो। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ व्हाट्स न्यू पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलते थे पहले, जो कि एक सिस्टम इम्प्रूव एंड स्टेबिलिटी जो देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे कुछ नया लिखा है और जो है फ्रेंड्स फिक्स नॉइस इन द स्पीकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता था, अगर आप कोई म्यूजिक सुनते थे या फिर व्हाट्सएप पे अगर कोई ऑडियो सुनते थे तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपको जो ऑडियो क्वालिटी था उसमें ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे अभी इसको रिमूव करके दिया गया है और यहाँ पे Xiaomi की तरफ से जो ये चीज़ किया गया बहुत ही खास है, मैंने भी इसको फील किया था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपडेट आपको देखने को मिले, आपको अभी अब आपके फ़ोन में नॉइज़ रिलेटेड या फिर स्पीकर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर चलते हैं, ये तो हो गया Xiaomi के लिखे जाने का अपडेट, क्या आपको नया मिला। तो चलते हैं अभी हम हमारे कि क्या हमने ढूंढ के निकाला है आपके लिए। तो यहाँ पे चलते हम अपने नोट में, यहाँ पे चलते हम अपने क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके लिए हमने ये सभी कुछ ढूंढ के निकाला है। ये तो तीन चीज़ मेजर चेंजेस है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर आपको बता दूँ ये जो अपडेट आया है, इस अपडेट में काफ़ी सारे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाता है जो फ्रेंड्स मेन है, इसका सिक्योरिटी पैच लेवल भी इस पर अपडेट कर दिया गया है। तो अभी इसमें इसका सिक्योरिटी पैच लेवल मार्च का कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है मेरे लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी चल रहा है मई का महीना, लगभग यहाँ पे अप्रैल का सिक्योरिटी पैच होना चाहिए था, अभी मई आने वाला है एक दो दिन में, तो अभी यहाँ पे अप्रैल का सिक्योरिटी पैच होना चाहिए था, तो हम एक महीना फिर से डिले ही चल रहे हैं। Xiaomi अगर इसको अपडेट करते तो बहुत ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो चल रहा है हमारा एक खास चीज़। तो अभी चलते हैं हमारे जो मैंने अपने नोट ऐप में लिखे रखे हुए, तो यहाँ पे सॉरी, तो मैं यहाँ पे अपना नोट को खोल लेता हूँ। यहाँ पे खोलने के बाद आप देखेंगे पहले जो चीज़ आता है, यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए, जो कि पहला जो मुझे मेजर चेंजेस देखने को मिला है वो है फ्रेंड्स रिमूव Xiaomi सोशल मीडिया लिंक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम चलते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगर सेटिंग में जाता हूँ, उसके बाद चलता हूँ अबाउट फोन में, तो यहाँ पे ये जो जगह था यहाँ पे आपको Xiaomi का इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी का लिंक देखने को मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो भी नहीं है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ये भी ये बग्स है या फिर Xiaomi ने खुद से यहाँ पे रिमूव किया है, तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन सवाल है। आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है Xiaomi ने इसे खुद रिमूव किया या फिर ये कोई बग्स है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं चलते उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या हुआ है। तो दूसरा जो चीज़ हुआ है उसके बाद हम देखें सेटिंग गैप ऑन एडिशनल सेटिंग। तो यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स अगर हम सेटिंग में, और उसके बाद चलते हैं अपने फ़ोन के एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग का जो पूरा चीज़ है यहाँ पे थोड़ा गैप हो गया। आप देखेंगे डेट, लैंग्वेज, रीजन, तो यहाँ पे देखेंगे तीनों एक साथ है, उसके बाद एक गैप हो गया है, उसके बाद प्राइवेसी, एंटरप्राइज मोड थोड़ा पास पास, उसके बाद ज़्यादा गैप हो गया। तो एक सेट करके दिया गया है, कोई भी ऊपर टैग नहीं लगा है, कौन कौन से अंडर में जाता है सेटिंग, तो यहाँ पे कोई टैग देखे नहीं लगा है, तो पूरा गैप करके नया सजाया गया है। क्या कर रहा है यार, बेकार का काम कर रहा है, काम का काम कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन इस अपडेट में किया है जो कि मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो उसके फ्रेंड्स बाद में क्या किया, लास्ट जो है रिमूव चूज़ अपडेट पैकेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जो कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये जो अपडेट है 2.0 का जो सभी अपडेट है ना फ्रेंड्स, 2.0 का जो अपडेट है मेजर में, यहाँ पे जो ये बग्स मुझे देखने को मिला है कि अबाउट फोन में अगर आप चलते हैं सिस्टम अपडेट में सभी Xiaomi के फोन में 2.0 के अपडेट में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मैं कैंसिल करके, तो यहाँ पे अगर आप 3 डॉट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो चूज़ अपडेट पैकेज का जो ऑप्शन आता था वो रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ इसी अपडेट में ये चीज़ देखने को मिलता है और यहाँ पे मुझे मालूम नहीं क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे Xiaomi को ये ठीक कर देना चाहिए। सभी के 2.0 अपडेट में ऐसा हुआ है कि चूज़ अपडेट पैकेज जो रिमूव कर दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा मेन चीज़। तो अभी हम चलते हैं अपने खास चीज़ में, दो खास चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। एक तो है यहाँ पे जो हम अगर वीडियो एडिटिंग ऐप्स को यूज़ करते, जैसे कि एक पॉपुलर ऐप था पावर डायरेक्टर, तो यहाँ पे मैं इसको खोल लूँगा,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं पावर डायरेक्टर को खोल लूँगा, और पावर डायरेक्टर को खोल लेने के बाद इसमें फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम आ रहा था कि इसमें वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वीडियो ले लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल से प्रोसीड वीडियो पे क्लिक कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड गैलरी, तो यहाँ पे मैं 4K पे ही एक्सपोर्ट करूँगा। तो प्रोसेस में अगर मैं क्लिक कर दूँ, सॉरी मैं अगर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूँ, तो आप देखूँगा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तक इसको Xiaomi ने सॉल्व नहीं किया है, तो कब ये Xiaomi सॉल्व करेगा मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको Xiaomi को सॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही खास प्रॉब्लम है, जो काफ़ी सारे क्रिएटर्स है वो अपना काम यहाँ से नहीं कर पा रहे होंगे, तो Xiaomi को बहुत ही जल्दी फिक्स कर देना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं खास चीज़ जो कि आपको इस अपडेट में देखने को मिला है, सभी के लिए गुड न्यूज़ है, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। और अगर मैं एक हिम्स देकर बताऊँ कि बैड न्यूज़ है Realme वालों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी जो ये Redmi Note 7 Pro है इसमें आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आपको मिल जाता है Fortnite का सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे Fortnite का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सॉरी मैंने अपना नेट ही नहीं ऑन किया है, तो यहाँ पे मैं अपना इंटरनेट को थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से Fortnite को ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे Fortnite जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन होता है। देखेंगे इंस्टॉल डाउनलोड, तो आप देखेंगे Fortnite का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से Fortnite जो है अभी Redmi Note 7 Pro पर डाउनलोड हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया एक खास बात है, आपको यहाँ पे अभी इस अपडेट के बाद आपको Fortnite का सपोर्ट आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल रहा है। और एक बात है ना, Fortnite रिलेटेड बहुत सारे वीडियो Redmi Note 7 Pro पे लाने वालों की, Fortnite चलते बाद आपको फ़ोन का कितना ज़्यादा हीट हो रहा है, कितना आपका फ़ोन में इसको झेलना पड़ रहा है, कितना परेशानी आपको फ़ोन में आ सकता है, तो सभी कुछ के बारे में आपको एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा Fortnite के ऊपर और Redmi Note 7 Pro पर। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अगर कोई भी आने वाले वीडियो मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को अगर पसंद आए तो जोर से वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं हूँ पवित्र, आप देख रहे थे टेक्निकल स्टार, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।